रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है। चलिए शुरू करते हैं समोसा बनाने के लिए। हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए? सबसे पहले तो हमें इसके लिए मैदा चाहिए, 1.5 कटोरी मैदा है। 4 आलू लिए हैं जो कि क्रश किया हुआ है, तोड़ा हुआ है, इसको मैश नहीं करना है। उसके बाद थोड़ा सा मटर है, हाफ बॉयल किया हुआ है। थोड़ा सा पनीर है, थोड़ा हरा मिर्च, 2 मिर्च काटे हैं। नमक है, थोड़ा सा धनिया पत्ता, रिफाइंड ऑयल मोइन के लिए, और जवाइन क्रश किया हुआ है, मंगरेल क्रश किया हुआ है। और ये देखिए, उसके स्टफिंग के लिए हम लोग को तड़का के लिए तेज़पत्ता, खड़ा जीरा, 1 लाल मिर्च, 5 फोरन, और रोस्ट किया हुआ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़रा सा लाल मिर्च पाउडर, ये चाहिए। अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग जवाइन मंगरेल डाल दिए, 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल हम लोग ले लिए। अब इसको हम लोग मिक्स कर देंगे। पहले इसे मिक्स कर देना है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, इस तरह से बाइंडिंग होना चाहिए, इस तरह से देखिए, इस तरह का मोइन होना चाहिए और इस तरह से फिक्स होना चाहिए ताकि इसका पूरी बढ़िया से खस्ता बने। अब हम इसमें ज़रा ज़रा पानी डाल करके इसका हम लोग डो तैयार करेंगे। देखिए एक बार में पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालेंगे और इसका थोड़ा कढ़ाई डो तैयार करेंगे, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा आटा। थोड़ा और पानी का ज़रूरत है, एक साथ पानी नहीं डालना है ऐसे। मैदा कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, हमेशा ऐसे दबा दबा के ही मैदा को मिक्स किया जाता है। देखिए डो तैयार हो गया हमारा। अब इसको हम लोग 5 मिनट टेस्ट के लिए छोड़ देंगे। देखिए ना ज़्यादा कड़ा है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है, थोड़ा हार्ड रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहेगा, इस तरह का। और इसको 5 मिनट को डाल दिए हैं। अब इसमें खड़ा जीरा, पांच फोरन, थोड़ा सा हल्का सेलो फ्राई हो जाए तब इसमें हम लोग धनिया पाउडर, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब थोड़ा सा कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि इसमें कटी हुई मिर्च भी है। अब हम लोग इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, अब हरा मटर डाल दीजिए, सेलो फ्राई हो गया है। अब इसमें नमक हम डाल देंगे इस स्टेज पर आकर के अपने अकॉर्डिंग अंदाज से। देखिए दोस्तों सेलो फ्राई हो गया है मटर बढ़िया से, क्योंकि तो हाफ बॉयल है ही। अब इसमें हम लोग आलू डाल देते हैं, क्रश किया हुआ आलू है। इसको फ्राई करते समय हम लोग इसको भी क्रश कर देंगे कलछी से। रेडी हो गया स्टफिंग का आलू, ऐसे इसको हम लोग कलछी से तोड़ दिए हैं। इस तरह का कलर आना चाहिए,
कितना प्यारा कलर आया है देखिए। स्टफिंग के लिए आलू तैयार है। अब हम लोग पूरी बनाएंगे। हम लोग पूरी बनाएंगे उसमें स्टफिंग करने के लिए। अब उसमें हम लोग भरेंगे, देखते हैं। धनिया पत्ता मिक्स कर दे रहे हैं, गैस ऑफ कर दे रहे हैं। इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए इस तरह का आलू होना चाहिए स्टफिंग वाला, है ना, एकदम हलवाई जैसा। इस तरह से बनाइएगा दोस्तों तो बहुत ही अच्छा बनेगा, टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आता है। इसमें क्रश धनिया, खड़ा धनिया जो है क्रश करके भी डाल सकते हैं। फिर रोस्ट हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं, रोस्ट करके उसको हल्का सा रोस्ट कर दिए हैं, फिर पाउडर बना के उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। ठीक है, इसका छोटा छोटा हम लोग लोहिया तोड़ लेंगे। हम लोग इसको बेलते हैं दोस्तों। देखिए सूखा मैदा लगा के देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से हम लोग को पूरी को बेल लेना है ओवल शेप में, थोड़ा लंबा जैसा। अब इसको हम लोग को कट कर लेना है बराबर बराबर, दो भाग में कट कर लेंगे। अब ये एक पूरी को लेकर के हम लोग को इस पर पानी लगाना है सीधे लाइन में, सीधे तरफ लाइन पे इस तरह से, ताकि ये आपस में बढ़िया से सट जाए और खुले नहीं फ्राई करते समय। अब देखिए इसको हम लोग को ऐसे कोन की तरह बनाना है, अब करके से अच्छे से चिपका देना है। देखिए ठीक है, अब इसमें हम लोग स्टफिंग डाल रहे हैं, थोड़ा हाफ इंच ऊपर खाली रहेगा। अब इसमें एक या दो पनीर का टुकड़ा डाल देना है। अब इसके चारों तरफ पानी लगा देंगे, ताकि ये इसको बंद करेंगे तो खुले नहीं। उसके पहले हम लोग इसमें प्लेट डालेंगे इसके पीछे, और इसको ऐसे करके इसे बंद कर देंगे। देखिए इसको अच्छी तरह से चिपका देना है, ताकि फ्राई करते समय खुले नहीं। देखिए इस तरह से, ठीक है। देखिए इसको इस तरह से बंद कर देना है। देखिए ये हम लोग इसको बना लिए हैं। अब इसको आधा ही घंटे के लिए हम लोग को छोड़ देना है, ताकि ऊपर का जो मॉइस्चर है वो सूख जाए, और तेल में जब इसको हम लोग फ्राई करेंगे तो इस पर दाना दाना या बुलबुला ना उठे। तो हमारा गर्म हो चुका है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्राई हम लोग को ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। ये ज़्यादा गर्म है इसलिए हम लोग थोड़ा सा फ्लेम को बंद कर देते हैं, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाए, उसके बाद हम लोग फ्राई करेंगे। अब हम लोग डाल रहे हैं, देखिए इस तरह का नॉर्मल डालना चाहिए तेल। इसको अभी हम लोग बिल्कुल नहीं चलाएंगे, देखिए। अब इसको हम लोग को उलट पलट के धीरे धीरे चलाते रहना है। इस तरह से फ्लेम को सिम पे ही रखना है, इसको अभी तेज नहीं करेंगे, नहीं तो क्रिस्पी नहीं होंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे समोसा। डार्क गोल्डन कलर का हो गया समोसा हमारा,
अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। इस तरह से इस कलर का आना चाहिए, देखिए इसको निकाल दे रहे हैं। इस कलर का आना चाहिए, बहुत ही क्रिस्पी बना है, देखिए तैयार हो गया। देखिए बहुत सुंदर कलर आया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है, एकदम गोल्डन कलर है, डार्क गोल्डन कलर, और बहुत ही क्रिस्पी है। देखिए देखिए बहुत ही क्रिस्पी है दोस्तों, खाइए, अपने दोस्तों को भी खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, और पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।